हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो पाई है, अब लगातार होती रहेगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आ गए हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये, और जिसमें इतनी ज्यादा चर्चाएं हैं इस समय जिस प्रश्न को लेके, वही हम लेके आ गए हैं जो एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बात किया जाए कि इस समय हर पेपर में आज हेडिंग बन के आई थी ऑपरेशन कावेरी। क्या आया था? ऑपरेशन कावेरी। तो सभी लोगों को भी पता होना चाहिए ऑपरेशन कावेरी क्या है, इसका संबंध कहां से है और क्या क्या हो रहा है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा भाई आपको। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और बात की जाए इसकी पूरी पीडीएफ कंटेंट का, पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है वीरू सर जीएस क्लासेस में। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जैसे बात किया जाए ऑपरेशन कावेरी ये है क्या, तो ऑपरेशन कावेरी की जब बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है बेटा, तो इसका संबंध है सूडान। एक अफ्रीका का एक बेटा देश है, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम क्या है बेटा, सूडान। क्या नाम है? सूडान। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम क्या है? सूडान। अब आप कहोगे सर सूडान दो तरह के हैं, एक उत्तरी सूडान है, एक दक्षिणी सूडान। तो बेटा ये उत्तरी सूडान में हुआ है। तो कहीं पूछा जाए ऑपरेशन कावेरी किसके द्वारा चलाया गया है, भारत के द्वारा चलाया गया है, कहां चलाया गया है, तो भैया ये उत्तरी सूडान में क्या हो गई, हिंसा हो गई। क्या हो गई? हिंसा हो गई। और उस हिंसा में हमारे भारत के लोग भी फंसे हुए हैं, तो हम अपने लोगों की रक्षा करना जानते हैं, तो हम अपने लोगों को बचाने के लिए एक जहाज भेज रहे हैं, एक शिप भेज रहे हैं, उससे अपने लोगों को लेके आएंगे बेटा। तो हमने कहा ऑपरेशन कावेरी कहां चलाया गया, अफ्रीका का एक देश है सूडान में चलाया गया। क्यों चलाया गया? भारतीय जो यहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। लगभग यहां पर कितने भारतीय हैं बेटा, तो 4000 के लगभग भारतीय हैं। अब 1, 2, 3, 4 ऐसे गिन के तो नहीं आए हैं, लेकिन एक अंदाजा बताया जा रहा है कि लगभग 4000 भारतीय यहां पर हैं, इनको बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा। अब यहां का विवाद क्या है बेटा, तो यहां का विवाद यह है कि यहां की सेना, मतलब जैसे अपने यहां आर्मी होती है ना, इनके यहां भी एक सेना होती, यहां की सेना और अर्धसैनिक जो है, अर्धसैनिक बल, जैसे अपने यहां बीएसएफ नहीं होता है, सीआरपीएफ नहीं होता है, वैसे यहां की सेना और अर्धसैनिक बल जो होते हैं दोनों आपस में लड़ गए हैं, दोनों आपस में लड़ गए। अब सोचो जो सुरक्षा कर्मी है, जो रक्षक है, वही भक्षक बन जाए तो क्या मैटर होगा। तो यहां वही मामला हुआ, सेना और अर्धसैनिक बल क्या हुए, आपस में लड़ चुके हैं, जिसमें क्या हो रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। जहां देखो बम उठाए फेंके दे रहे हैं, 40-50 आदमी रोज भाई क्या हो रहा है, एक झटके में मर रहा है। तो यहां पर हम अपने लोगों को बचाने के लिए, भैया तुम लोग आपस में लड़ो, हम काहे यहां भाई फंसी बीच में, तो भारत ने कहा हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे, और हमने चला दिया ऑपरेशन कावेरी। तो यहां की सेना और अर्धसैनिक बल आपस में लड़ गए हैं, ठीक है ना। अब लड़े तो चुट्टन का करें, आगे बढ़ो। हमने कौन सा जहाज भेजा, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो भारत की तरफ से एक शिप भेजा गया INS, क्या नाम है, INS सुमेधा। क्या नाम है? INS सुमेधा। ये जहाज गया बेटा, और ये देखो ये लोग लाइन में लग गए, देखो सारे लोग लाइन में लगे हैं ना, और यही जहाज में बैठ गए, पानी क्या होगा, समुद्र के रास्ते से भारत आ जाएंगे। तो भारत ने ऑपरेशन कावेरी में किस जहाज या किस शिप का प्रयोग किया है, तो कौन सा शिप है, INS सुमेधा का प्रयोग किया है। तो क्लियर हो गया होगा, ये तो जानकारी है जो चर्चा का विषय था। और कुछ बातें बताते हैं हम सूडान के बारे में, कुछ बताना चाहते हैं सूडान के बारे में। बात किया जाए तो पहले आप समझना, सूडान के बारे में बात करें तो देखो भाई सूडान पहले देख लो, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। बात किया जाए संपूर्ण पृथ्वी पर यहां पर देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है बेटा वो कौन है, अफ्रीका। पहला एशिया है जहां हम लोग रहते हैं, दूसरा कौन है, अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप का चित्र है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप का है। और इस अफ्रीका महाद्वीप में बेटा यहां पर देखोगे ये जो पीला वाला दिख रहा है आपको, ये पीला वाला पूरा बनाए दे रहे हैं, देखो ये पीला वाला जो दिख रहा है, ये पीला वाला आपको दिख रहा होगा, यही क्या है, सूडान। ये क्या है, सूडान। कहते हैं अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था कभी कौन बेटा, यही सूडान। लेकिन क्या हुआ, 2011 में यहां पर क्या हुआ, विघटन हो गया और सूडान के दो भाग हो गए, एक हो गया उत्तरी सूडान, एक हो गया दक्षिणी सूडान। ये जो पीले कलर से मैंने रंगा है ना बेटा, ये कौन है, ये है उत्तरी सूडान, और जो लाल कलर से ये कर दिया इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी सूडान। क्या बोलते हैं, दक्षिणी सूडान। ये पहले एक ही हुआ करता था 2011, कब भैया 2011
2011 में सूडान के दो भाग हो गए, एक कौन हो गया, उत्तरी सूडान हो गया और एक दक्षिणी सूडान। ये उत्तरी सूडान है, ये दक्षिणी सूडान। ये मैटर कहां पर हुआ है, तो बेटा ये उत्तरी सूडान में हुआ है, समझ रहे हो ना, पीले वाले खाने में हुआ। अब बात किया जाए सूडान को लेके, तो सूडान के बारे में आपको पता होना चाहिए अफ्रीका का एक देश है बेटा। दूसरी बात पता होनी चाहिए ये 7 देशों को स्पर्श करता है। कौन कौन से भैया 7 है, तो मैं नाम आपको बता रहा हूं, देखना। सबसे पहला हमने कहा यहां पर, देखना सबसे पहला कौन है बेटा, यहां पर एक देश है, इसका नाम क्या होगा बेटा, आपने सुना होगा मिस्र, जिसे अंग्रेजी मीडियम वाले इजिप्ट बोलते हैं, तो इजिप्ट को भी स्पर्श करता है। दूसरा देश है बेटा जिसको बोलते हैं लीबिया, लीबिया को भी स्पर्श करता है। तीसरा आप देखोगे इधर चाड है, चाड को भी स्पर्श करेगा बेटा। इधर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे 7 देशों को स्पर्श करता है, यह चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, और बेटा नहीं ये चौथा हो जाएगा, पांचवा यही हो जाएगा, छठवा ये हो जाएगा और सातवां ये हो जाएगा। ये सातवां जो है इसको इरिट्रिया बोलते, क्या बोलते, इरिट्रिया बोला जाता है बेटा, इरिट्रिया को स्पर्श करता है। और इरिट्रिया के बाद आप देखोगे तो इधर आप देखोगे इरिट्रिया के अलावा ये दक्षिणी सूडान को भी स्पर्श कर रहा है। ये कुल मिलाकर 7 को स्पर्श करता है, 7 देशों से बाउंड्री बनाता है, ठीक। लेकिन एक प्रश्न और याद रखना, इधर देखोगे जो पानी भरा है ना, इस पानी को बोलते हैं लाल सागर। तो हम कह सकते हैं सूडान जो है बेटा 7 देशों को और लाल सागर को भी स्पर्श करता है, इसकी सीमा लाल सागर को भी स्पर्श करती है, समझ गए ना। तो उत्तरी सूडान की सीमा जो है लाल सागर को स्पर्श करती है। बात किया जाए इसकी राजधानी कौन सी है, खार्तूम है। सूडान की राजधानी क्या है बेटा, खार्तूम इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है बेटा, पाउंड है। और बात किया जाए राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतेह अल बुरहान साहब है। देखो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल अल फतेह अल सीसी साहब, तो अल सीसी अब की बार आपके यहां 26 जनवरी में क्या थे, अतिथि के रूप में आए थे, लेकिन ये मिस्र के नहीं है, ये कहां के है, सूडान के, वो भी उत्तरी सूडान के, अब्दुल फतेह अल बुरहान साहब है। और यहां की भाषा क्या है बेटा, अरबी और अंग्रेजी। यहां की भाषा क्या है, अरबी और अंग्रेजी है। देखो बेटा यहां से याद रखना, हमेशा कई प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, यहां से कई प्रश्न बनते हैं, और हमेशा के लिए इस बात को याद रखना। देखो यहां से आप याद रखना क्या क्या प्रश्न बन सकता है। जैसे हम बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, खार्तूम। राजधानी यहां पर खार्तूम है बेटा, यहां पर राजधानी खार्तूम है। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा। बिमल पान मसाला नहीं, जुबा केसरी नहीं, इसकी राजधानी का नाम भी क्या है, जुबा है। आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, ये विक्टोरिया झील है, अफ्रीका में क्या है, विक्टोरिया झील है। और इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है बेटा, और इस नदी का नाम होता है श्वेत नील। क्या नाम होता, श्वेत नील। एक नदी आती यहां पर, इसका नाम होता है श्वेत नील, और यहां पर आती है बेटा ये इथोपिया है, इथोपिया में यहां पर एक झील है, और इस झील का नाम है ताना झील। ताना झील से एक नील नदी आती, इसका नाम है नीली नील। मतलब ये श्वेत नील और ये नीली नील, और दोनों यहां पर मिल जाती, खार्तूम में ही मिलती है, मतलब उत्तरी सूडान में ही मिलती है। और यहां के बाद जो नदी आगे बढ़ती है, जो नदी आगे बढ़ती है, इसको बोलते हैं बेटा नील नदी। क्या बनते हैं, नील नदी। कहा जाता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। और तो नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, नीली नील और सफेद नील। श्वेत को मतलब सफेद बोलते हैं ना, तो बात किया जाए नीली नील और सफेद नील आपस में कहां मिलती है बेटा, इसी सूडान में मिलती है। कहां, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो कभी क्वेश्चन आता है जनरल छोटे एग्जामों में कि नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो हम लोग बता देते हैं कि विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से सफेद वाली नील निकलती है, और इससे इथोपिया में ताना झील से नीली निकलती, और दोनों आपस में मिल जाती है, तो नाम क्या हो जाता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नील नदी बोलते हैं। तो सूडान में इसका नीली मतलब नीली और सफेद मिलती है, ठीक। आगे बात करते हैं कुछ बात और आपको यहां पर, आगे बात किया जाए बेटा सूडान के बारे में, इतनी जानकारी हो गई। अब सूडान का मामला क्या है बेटा समझना, बात किया जाए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में ना, तो कावेरी ऑपरेशन जो चल रहा है सूडान में भारतीयों को लाने के लिए। लेकिन अब आप कहोगे सूडान में क्या होता है सर, तो सूडान में क्या है बेटा, सूडान में थोड़ा उल्टा है। जैसे अपने यहां लोग गोरे होते हैं ना, अपने यहां जैसे सुंदर किसे कहा जाता, जो गोरा हो पतला हो ना, अब गेंडे की तरह फूला ना हो बेटा, सूडान में कुछ उल्टा है। जितना करिया करिया आदमी हुई सूडान में, जितना करिया आदमी हुई उसको सुंदर कहा जाएगा सूडान में। जैसे मान लो ब्याह देखे
देखे गए और लड़का खूब करिया है, खूब करिया करिया है, तो वहां के लोग कहेंगे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सूडान में जितना करिया हुई देखो कितना करिया है, एक मुंह देख लो, इसका मुंह देखो भैया ये कितना करिया है, सूडान में सबसे सुंदर व्यक्ति है, सुंदरता का नोबल पुरस्कार मिला है। तो सूडान में जो को जितना करिया हो और जितना मोटा हो, जितना मोटा हो है ना, और जितना करिया हो वो उतना सुंदर माना जाएगा। अब सोचो ये सबसे सुंदर माना जाएगा। अब ये लड़की देख रहे हो, ये लड़की कितनी करिया सुंदर है, लेकिन यही थोड़ा मोटी होती तो और सुंदर मानी जाती। तो वहां पर लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर करिया होए खातिर। सूडान में जैसे अपने यहां जाते हैं पाउडर आउडर लगवाएं भाई गोरे हो जाते, यहां पाउडर नहीं है कजरी मुहिम लगवाई जाए। सूडान के लोग ब्यूटी पार्लर जाते कजरी मुहिम लगवावत है सुंदर होए खातिर। तो सूडान में थोड़ा उल्टा मामला है, जो जितना करिया होगा, जो जितना मोटा होगा उतना ही सुंदर होगा। काश हम भी आज सूडान में होते तो मेरा विवाह हो गया होता है ना, यहाँ घूम रहे नहीं से, सूडान में तो अब तक विवाह हो गया होता। तो बेटा समझ रहे ना, जो जितना करिया होगा, जो जितना मोटा होगा उतना ही सुंदर होगा सूडान में। तो अब सोचो तुम लोग सोचो तो काश सूडान में होते तो करिया लोगों की भी इज्जत है, कहां पर सूडान में बेटा। तो थोड़ा मामला उल्टा है, चलो और बताते कुछ बातें। देखो करंट में कुछ ऑपरेशन और चर्चा में है उनके बारे में बताते हैं बेटा। जैसे बात किया जाए ऑपरेशन, समझना, जैसे बात किया जाए ऑपरेशन दोस्त कहां चलाया गया, तो आपको पता होगा ऑपरेशन दोस्त हमने तुर्की और सीरिया में अभी भूकंप आया था, आपको याद होगा तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, बहुत लोग मर गए। तो भाई मर रहे थे, भारत ने कहा परेशान ना हो, भारत आ रहा मदद करने के लिए, और हम एकदम सनी देओल की तरफ क्या हुए, वहां गए और उन लोगों की मदद की। वहां के लोग हाथ जोड़ते रहे, अरे साहब तुम ना होती तो मंचे मर जाए, भारत ने मदद की, जबकि तुर्की हमेशा हमारा विरोध करता है। तो बेटा ऑपरेशन दोस्त हमने कहां चलाया है, तुर्की और सीरिया में भूकंप से मदद करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन गंगा पता है हुई बेटा, यूक्रेन के ऊपर रूस वाले जब बम फेंकत रहे तो वहां हमारे डॉक्टर भैया बैठ रहे, डॉक्टर जो डॉक्टरी की पढ़ाई मतलब पढ़ने गए थे, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने गए थे, यूक्रेन में लोग मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने जाते, तो वहां हमारे भारतीय फंस गए थे, तो यहां से हमने भी ऑपरेशन चलाया था गंगा। तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने क्या चलाया था, ऑपरेशन गंगा। उसी तरह से देवी शक्ति 2021 के आसपास चलाए थे, 2021 के आसपास चलाए होंगे देवी शक्ति। अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हो गया था तो हमने चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, अपने लोगों को हमने हमेशा बचाने का प्रयास किया है भाई, है ना। ऑपरेशन गरुड़ आपको पता है सीबीआई ने चलाया, अभी हाल ही में चलाया, जो लोग ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए, मतलब जो लोग ड्रग्स का व्यापार करते उसको समाप्त करने के लिए सीबीआई ने चलाया है ऑपरेशन गरुड़ बेटा, ऑपरेशन गरुड़ नाम होगा, है ना। ऑपरेशन मेघदूत कब चला था, तो ये तो बहुत पुराना है, इसको हमने चलाया था बेटा 1984, कब चलाए थे 1984, सियाचिन ग्लेशियर को जीतने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। तो बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी करंट की, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, मजा आएगा। आप जुड़ते रहिए वीरू सर जीएस क्लासेस में, बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।